Morning to one and all, class 11. Welcome to your TSN English class. Today we will start the ninth video of this chapter, chapter number five, Mother's Day, from your book Snapshot. So students, previously we have read that Mrs. Pearson and Doris, both of them are like conversing with each other, and during that conversation उनके साथ क्या होता है कि मिसेस पियर्सन जो हैं कुछ रूड जवाब देती हैं डॉरिस को, डॉरिस भी उनसे रूडली बिहेव करती है, जिसकी वजह से डॉरिस जो है, सो शी फील्स दैट दिस ऑल दिस थिंग्स आर लाइक वेरी ऑफुल एंड शी स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ एंड रेडी टू क्राई. सो लेट्स रीड द चैप्टर फ्रॉम हियर, दिस पैराग्राफ. सो from this paragraph here, students. So जॉर्ज पियर्सन, अब सिचुएशन क्या है, जब जो मिसेस पियर्सन है वो अपने डॉटर को बोलती हैं कि डोंट बिहेव लाइक अ किड और अ चाइल्ड, और तुम अभी बेबी नहीं हो कि तुम इस तरह रहो. जब तुम इतनी मेच्योर हो कि तुम 40 फ्रेंड्स के साथ अकेले जाने को रेडी हो गई हो, तो तुम्हें हाउ टू टॉक विथ योर पेरेंट्स या मदर, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए. अब देखते हैं, मिसेस पियर्सन के जो हस्बैंड हैं मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, उनकी एंट्री हो रही है प्ले में. सो जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, ही इज़ अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सलमन, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, पॉम्पस, प्रिफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप. ही नोटिसेस डॉरिस टीयर्स. तो जॉर्ज पियर्सन जो हैं वो लेफ्ट साइड से एंटर करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 50 उनकी एज है, अबाउट 50. फंडामेंटली डिसेंट, वो वैसे तो डिसेंट हैं, बट वो एक सोलोमन हियर मींस एक बहुत ही ज़्यादा रिजर्व या गंभीर टाइप के व्यक्ति हैं. सेल्फ इम्पॉर्टेंट, दैट मींस मिस्टर पियर्सन जो है, मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. एंड ही इज़ अ पॉम्पस, दैट मींस हैवियर साइज में है थोड़ा, वेट की अगर हम बात करें तो. प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी मूविंग स्लो मूविंग टाइप, एक हैवी बॉडी वाले हैं जिसकी वजह से वो स्लोली मूव करते हैं. एंड ही नोटिसेस डॉरिस टीयर्स, और वो अपनी डॉटर डॉरिस की टीयर्स को नोटिस करते हैं. जॉर्ज, हेलो, व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट. सो वो अपनी डॉटर्स के पूछ रहे हैं, हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम रो रही हो. सो या मुझे बता सकती हो कि रोने की कोई बात है क्या या हो सकती है क्या. डॉरिस थ्रू सोब्स, यू विल सी. सो डॉरिस जो है, सोब्स हियर मीन सिसकियाँ लेती हुई बोलती है कि आप अपने आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा. डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सोब और टू ऑन द वे. जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर एट अ मोमेंट, देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन. डॉरिस वहाँ से सिसकियाँ भरती हुई एक और दो बार वहाँ से चली जाती है, और मिस्टर जॉर्ज पियर्सन उसे देखते हैं और फिर मिसेस पियर्सन को देखते हैं. जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी. जॉर्ज कहते हैं कि क्या इसने ये कहा कि मैं देख लूँगा कि, या मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि ये रो क्यों रही है. मिसेस पियर्सन, यस. जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, ये कहना क्या चाहती थी. मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप उसी से पूछ लीजिए. जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर, देन एट मिसेस पियर्सन, देन ही नोटिसेस द स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप. ही हर हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज. अब मिस्टर पियर्सन क्या करते हैं, मिसेस पियर्सन को की तरफ देखते हैं. वो देखते हैं कि मिसेस पियर्सन ने स्टाउट की बॉटल उठाई और वो पी रही हैं एक और सिप, और उनकी आईज जो है ऑलमोस्ट बल्जेस, दैट मींस उनकी आंखें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं. जॉर्ज स्टाउट, मिसेस पियर्सन, यस. जॉर्ज स्टाउट, तो जॉर्ज कहता है स्टाउट, मिसेस पियर्सन आप स्टाउट पी रहे हैं. वो कहती हैं यस. जॉर्ज अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर. तो जॉर्ज अपनी वाइफ से पूछता है, मिस्टर पियर्सन पूछते हैं मिस्टर जॉर्ज पियर्सन कि तुम ये स्टाउट क्यों पी रही हो. मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई हैव फैंसीड सम. क्यों, मिसेस पियर्सन क्या जवाब देती हैं कि बिकॉज मेरे को क्या है कि आप ये स्टाउट क्यों पी रही हैं, वो भी इस समय. तो मिसेस पियर्सन कहते हैं बिकॉज मुझे पीने का मन किया. जॉर्ज एट दिस टाइम ऑफ द डे, दिन के इस वक्त. मिसेस पियर्सन, यस
व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ द डे. मिसेस पियर्सन कहती है दिन के इस समय में क्या खराबी है. जॉर्ज बीविल्डर्ड नथिंग आई सपोज एनी आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर. तो मिस्टर पियर्सन जो है वो थोड़े बीविल्डर्ड हियर मीन्स भौचक के रह जाते हैं और वो बोलते हैं एनी मैं सब ये सब कुछ इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज एनी पियर्सन पूरा नाम है मिसेस पियर्सन का. एनी पियर्सन मैं आपको ये पहली बार पीते हुए देख रहा हूँ वो भी दिन के वक्त. मिसेस पियर्सन वेल यू आर सीइंग मी नाउ तो अब आप मुझे देखिए. जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट यस एंड आई डोंट लाइक इट. इट डजंट लुक राइट. आई एम सरप्राइज एट यू. तो मिस्टर पियर्सन अपनी वाइफ को क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा हियर मीन्स विथ हैवी डिस्टेस्ट मीन्स अपनी वाइफ की तरफ घृणा से देखते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं देख रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब कुछ ठीक नहीं है और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि तुम ऐसा कर रही हो. मिसेस पियर्सन वेल दैट ऑट टू बी नाइस चेंज फॉर यू. तो मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड को जवाब देती है जॉर्ज तुम आश्चर्य मत हो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा चेंज है ये. जॉर्ज व्हाट डू यू मीन आप कहना क्या चाहते हैं. मिसेस पियर्सन इट मस्ट बी समथिंग टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज. सो मिसेस पियर्सन कहती है इसी तरह आप भी मुझे काफ़ी बार सरप्राइज करते हैं. जॉर्ज आई डोंट लाइक सरप्राइजेज. आई एम ऑल फॉर अ स्टेडी गोइंग ऑन. यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट दिस स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टू नाइट and a bit of supper going so no tea. So Mrs. Pearson को जॉर्ज क्या कह रहे हैं कि हैरान करने वाली बात यह है कि मैं ये सब कुछ पसंद नहीं करता हूँ. एंड यू नो मुझे जैसा चलता है वैसा ही यानी स्टीडी वे में चलना पसंद है. एंड अब तो मुझे इस बात पर पता चला जाना चाहिए और मैं हाँ तुम्हें बताने वाला हूँ. आज सुबह गया था जब मैं बता के नहीं गया था मैं आज चाय नहीं पीऊँगा और आज रात को मेरा एक स्नूकर का क्लब में मैच होगा तो मैं शाम तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं शाम का जो डिनर है वो और चाय आज नहीं लूँगा. मिसेस पियर्सन दैट्स ऑल राइट देयर इजंट एनी. तो मिसेस पियर्सन कहती है ओके आप नहीं लेना चाहते नो प्रॉब्लम वैसे भी मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है. जॉर्ज अस्टॉनिश्ड यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी. वो पूछते हैं क्या मतलब क्या है आपका आपने कुछ रेडी नहीं किया. मिसेस पियर्सन यस अ गुड थिंग टू इट्स अ टर्नड आउट. तो मिसेस पियर्सन कहती है कि यस हाँ और अच्छा ही हुआ जैसे कि मुझे पता चला. अच्छा हुआ मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया. जनरली ऐसा होता है जब लेडीज़ घर में कुछ प्रिपेयर कर लेती हैं और घर का कोई भी फैमिली मेम्बर मना कर लेता है तो दैट फूड काउंट्स एन अ स्टेल फूड या वो फूड बच जाता है या तो वो वेस्टेज होता है या घर के किसी फैमिली मेम्बर को कंज्यूम करना पड़ता है. तो मिसेस पियर्सन माई गुडनेस लिसन टू द मैन अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम दैट ही डजेंट इवन वॉन्ट इवन ट्राई दैट एट द क्लब. तो मिसेस पियर्सन कहती है हे भगवान लुक एट दैट मैन इस आदमी की बातें सुने कोई कितना अनॉयड है ये जब इसे चाय पीनी ही नहीं है दिन में तो चाहे मैं चाय प्रिपेयर करूँ या ना करूँ उससे क्या फ़र्क पड़ता है. बट एवर ट्राई दैट एट द क्लब बट इस तरह का कभी क्लब में करके देखे कि इस तरीके की बातें अगर क्लब में करके देखे तो क्या इम्प्रेशन होगा. जॉर्ज ट्राइड व्हाट एट द क्लब क्या आप कह रही हैं मुझे क्या क्लब में ट्राई करना चाहिए. मिसेस पियर्सन गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर एंड यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर इट आउट ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट. तो मिसेस पियर्सन कहती है मैं तो आपकी फैमिली मेम्बर हूँ इसलिए ये सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो या मैम बर्दाश्त कर रहे हो बट अगर आप क्लब में जाएं आप मना कर दें कि आई डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर मुझे बियर ग्लास नहीं चाहिए और उसके बाद भी आप कहें कि तुमने मेरे लिए बियर को क्यों नहीं पोर करा या ट्राई ऑन देम ये सब कुछ जो आप मेरे साथ बिहेव करते हैं इस तरीके का बिहेवियर उनके साथ ट्राई करें सी व्हाट यू गेट तो आपको पता चलेगा आपको बदले में कैसा आंसर मिलता है या वो आपसे कैसे बिहेव करेंगे. जॉर्ज आई डोंट नो What you are talking about? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बातें कर रही हैं. मिसेस पियर्सन दे डू लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ वो तुम पर सब हंसेंगे जितना कि अभी हंसते हैं उससे ज़्यादा. तो इधर क्या हो रहा है कि मिस्टर पियर्सन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी वाइफ पर सिर्फ इसलिए गुस्सा हो रहे हैं बिकॉज उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया जबकि उन्हें प्रिपेयर करना ही नहीं चाहिए था जबकि वो सब कुछ चाहते ही नहीं थे. तो इस तरीके की सिचुएशन है घर में. Let's so students will read the next situation in our next video. Till then, stay safe and stay thank you. Thank you all.